अरविंद ने इनसे मेरे सामने बात की थी रात को करीब 1 बजे, इनकी बात हुई है व्हाट्सएप ऑडियो कॉल पे। मैं पास ही बैठा था तो उसमें इसने कहा कि मैंने सुना है शादी कर रही है तो उधर। बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं दिन में बात करूंगी। मतलब ऐसे सहमी सहमी सी भी बातें वो कर रही थी। मैं इस वक्त भिवाड़ी की टेरा एलिगेंस सोसाइटी में मौजूद हूँ। यहाँ कुछ दिनों पूर्व तक रहने वाली अंजू का ये फ्लैट नंबर 903 जो है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंजू रह रही थी। किराए का ये फ्लैट है। इससे पहले अंजू एच उसमें रह रही थी 704 नंबर में। लेकिन 20 जुलाई को अचानक अंजू यहाँ से अपने पति को ये कहकर चली जाती है कि वो जयपुर जा रही है घूमने के लिए। उसके बाद अंजू पाकिस्तान चली जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं सोसाइटी में रहने वाले बबलू यादव। जी सर, क्या जानकारी रखते हैं आप? सीमा कब से जो अंजू है कब से रहती है और किस तरीके से परिवार रहता है? ये 1.5 साल से इस आई ब्लॉक में शिफ्ट हुए हैं। 1.5 साल के समथिंग हो गया इनको। बाकी ज्यादा चर्चा नहीं थी और नॉर्मल फैमिली की तरह ये लोग रह रहे थे। बाकी इनका पति इंडो कंपनी में काम करता है होंडा में, और ये खुद भी होंडा में काम करती थी गार्ड रूप में। ऐसा है। तो अब जब पता चला है कि ये जो पूरा जो घटनाक्रम सामने आया है आप यहाँ हो, तो किस तरीके से अब आसपास के लोग हैं, परिवार का क्या कहना है? कल शाम को जब मैंने एंट्री की सोसाइटी में तो यहाँ पे भारी भीड़ थी। तो पता चला तो बोला लेडीज यहाँ से पाकिस्तान चली गई लाहौर। तो एक सदमे का सा विषय है ये। और यहाँ के फिर मैं कल शाम से यही हूँ, आज सुबह भी मैं यही हूँ। और लोगों में सोसाइटी में तो एक भय का सा माहौल है। बाकी मीडिया एक तरह से जो मीडिया का जमावड़ा भारी है वो कहीं ना कहीं सवाल तो कर रहा है। किस तरीके से सोसाइटी के लोग देख रहे हैं कि एक दो चीजें थी मीडिया में चर्चा का सीमा का विषय बना हुआ था, लेकिन अब अंजू पाकिस्तान चली गई है, उसे किस तरीके से देखते हैं आप? अंजू का कहीं ना कहीं जाना तो ये तो सीमा से जुड़ता हुआ सा ही मामला है। वो जैसे जयपुर बता रहे हैं कि मैं कल यहाँ से फ्लैट पे था, इनके पे मेरी बात भी हुई है, तो ये जयपुर की बोल के गई है, रुको फिर लाहौर जाना, तो ये सीमा वाला मामला सही लगता है। बाकी अभी अपने पति ने जब बात की थी आप भी मौजूद थे, तो क्या बताया बातचीत में, तो क्या सामने आया है कि वो क्या वापस लौटेगी, किस तरीके की जो बातचीत हुई, क्योंकि आप खुद वहां मौजूद थे? अरविंद ने इनसे मेरे सामने बात की थी रात को करीब 1 बजे, इनकी बात हुई है व्हाट्सएप ऑडियो कॉल पे। मैं पास ही बैठा था तो उसमें इसने कहा कि मैंने सुना है शादी कर रही है तो उधर। बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं दिन में बात करूंगी। मतलब ऐसे सहमी सहमी सी भी बातें वो कर रही थी। और बाकी 2 मिनट बात हुई है और बोला किसी को मेरे डॉक्यूमेंट्स मत देना और किसी को कुछ ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, मीडिया के मेरे पास ही फोन आ रहे हैं बराबर, मैं बात कर लूं। वो एक बात है कि मेरी जो मोबाइल है और अलमारी में जो डॉक्यूमेंट्स है वो शेयर नहीं करना, तो क्या ये कहीं हमें संदेह पैदा नहीं करता कि क्या राज जो अलमारी में है वो छिपा हुआ है जिसे वो बताना नहीं चाहते? हाँ ऐसा जैसे वो बोल रही है तो ऐसा लगता है। बाकी अब भी सुबह भी बात हुई है, उनकी गुड़िया से बात हुई थी तो कह रही कि मैं आ जाऊंगी 1-2 दिन में, ऐसा भी आज सुबह उन्होंने कहा है। अब परिवार जो है अब यहाँ लॉक लगा हुआ है, कहाँ गया है कुछ तो जानकारी है? मैं यही था मेरे सामने, अभी वो लोग निकले हैं। उनकी जो अंजू है उनकी भावच, उसकी तबीयत खराब हो गई, तो पूरी फैमिली अभी यहाँ से टैक्सी बुला के निकल गई है। अब पता नहीं किधर गई है, ये तो ज्यादा जानकारी अपने को नहीं। जी सुनाइए, पड़ोसी हैं जो यहाँ रहते हैं वो कल से इस पूरे घटनाक्रम को नजर रखे हुए हैं, उनको परिवार को सहायता भी उपलब्ध करा रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी इन्होंने संभाली है। इनका जिस तरीके से बात हुआ है कि अंजू से जो बात हुई थी वो इनके सामने हुई थी, तो वो कहीं कहीं डरी और सहमी हुई बातें कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार अंजू ने ऐसा क्यों किया, उनका जवाब खुद अंजू ही देगी, तब उसका पता चल पाएगा।